एवरीवन, माय नेम इज सुमन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट लाइफ विद सुमन। आज का जो वीडियो है वो पेंसिल ग्रेड के ऊपर है। ओके, आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ग्रेड्स होते हैं पेंसिल के, कितने टाइप्स के ग्रेड्स होते हैं, तो वो सारा कुछ मैं अभी आज का जो प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों ही बताऊंगी। ओके, तो अगर आप बिगनर हो तो आपको सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि पेंसिल्स में जो होता है वो जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो सब लोग यूज़ करते हैं, उसमें जो एच बी हम यूज़ करते हैं, तो वो एच बी का मतलब क्या होता है, वो एच बी क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं। ओके, एच बी में एच जो है वो प्रेजेंट करता है हार्डनेस को एंड बी जो है प्रेजेंट करता है ब्लैकनेस को। ओके, हार्डनेस में क्या है कि उसमें जितनी भी पेंसिल्स होती हैं एच ग्रेड की पेंसिल मीन्स, तो वो क्या होता है कि वो सारे के सारे हार्ड रहते हैं, वो सारे पेंसिल जब हम उसको सरफेस पेपर पे जब हम उसको चलाते हैं तो वो क्या होता है कि हमको हार्ड टेक्सचर देता है। ओके, जैसे कि एच में 2H, 3H, 4H, 5H, हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे उसका जो हार्डनेस है वो उतना ही आगे बढ़ते जाएगा। ओके, वो उतना ही हार्ड होता जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज ब्लैक, ब्लैकनेस जो है बी ग्रेड वाली पेंसिल जो है तो वो क्या होता है कि उसमें जितना भी ऊपर जाते जाएंगे, जैसे कि हम पहले एग्जांपल दे दूं 2B, 4B, 6B, 7B जितने भी हैं आगे, जितना भी हम आगे बढ़ते जाएंगे उसमें क्या होगा कि वो ब्लैकनेस मीन्स जो वो ब्लैक है वो उसका जो ब्लैकनेस है वो बढ़ता जाएगा एंड उसके साथ ही साथ वो स्मूदर भी होता जाएगा, मीन्स स्मूथ भी होता जाएगा हर स्टेप आगे। ओके, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको हो सकता है ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली समझाने वाली हूँ कि वो कैसे है। मैं आपको सारे उसके ग्रेड दिखाऊंगी एंड आपको तब समझ में आएगा कि कैसे वो जो है डार्कर एरिया की तरफ मूव करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो आज हम करने वाले हैं पेंसिल ग्रेड। ओके, इसमें सबसे पहले मैं एच से स्टार्ट करूँगी। मेरे पास क्या है कि ये जो डर्वेंट की है ये वापस आ गई है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये मेरे पास नहीं है बट अभी मुझे मिल गई है। तो अभी मेरे पास इसमें क्या है कि पूरे शेड्स अवेलेबल हैं, इसलिए ग्रेड अवेलेबल है, इसलिए मैं इसमें से ही आपको शो करूँगी कि कितना डार्क कौन सा पेंसिल होता है, बिकॉज मैं दूसरे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी को यूज़ नहीं करना चाह रही हूँ अभी, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा और कंपनी में कभी कभी थोड़ा बहुत का डिफर हो जाता है, इसलिए मैं एक कंपनी ही लूँगी। ओके, तो एच है, एच मीन्स मैंने आपको बताया कि हार्ड, दैट इज़ ये थोड़ा हार्ड होता है और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये उसमें इतना स्मूथनेस नहीं रहता है, ये हार्ड ही रहता है। HB पेंसिल, HB इससे थोड़ा हार्ड रहेगा, ये नॉर्मल पेंसिल जो कि सब लोग यूज़ करते हैं, बच्चे से लेके ऑफिस में भी, मीन्स नॉर्मली मैं कहूँगी कि हर जगह यूज़ होता है। ओके, एंड इट्स 2B, उससे थोड़ा डार्क जाएगा। जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ते जाएगा उसका जो डार्कनेस है वो भी बढ़ता जाएगा और उसका जो स्मूथनेस है वो भी बढ़ता जाएगा। ओके, 3B, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कितना डार्कनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये थोड़ा डार्क हो गया 3B का है। एंड 4B, ये आपका जो जितने भी इसमें ग्रेड्स हैं ये कहाँ कहाँ यूज़ होगा, कौन कौन से ग्रेड जो नंबर हैं पेंसिल्स के वो कहाँ यूज़ होते हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगी वीडियोस के बीच में। ओके, आज के लिए बस आप इतना ही देखो कि ये किस टाइप के पेंसिल्स होते हैं, कितने टाइप्स के ग्रेड्स होते हैं इसमें एंड उसको आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो और अगर नहीं चाहो तो आप इसको प्रैक्टिस नहीं भी कर सकते हो, बस मैंने आपको ये नॉलेज के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है कि आपको अगर आप ड्राइंग फील्ड में हो और आप बिगनर्स हो तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए स्टार्टिंग में। ओके, 6B, ये थोड़ा इससे डार्क जाएगा। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और इन माय इंस्टाग्राम। ओके,
आप मुझसे कहीं भी पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अगर आपके लिए हेल्पफुल लग रही हो और आपको लग रहा होगा कि आप मुझसे कुछ सीख रहे हो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। और प्लीज़ अगर आपको लगे कि इसको शेयर भी करना चाहिए एंड फैमिली फ्रेंड्स में आप शेयर भी कर सकते हो। ये 7 भी उससे डार्क, ओके 8 भी क्या होगा उससे डार्क रहेगा। ये ओके एंड लास्ट वन इज 9 भी। वैसे तो मेरे पास अभी 12 बी के भी अवेलेबल हैं, बट वो आर्ट लाइन का है मेरे पास। 12 बी का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप 9 बी तक आप मुझे लगता है कि ईजिली आप काम कर सकते हो। बट कई जगह पे होता है कि 12 बी भी हमें यूज़ में आता है, बट वो बहुत ही कम जगह पे, मोस्टली हमारा ये 8 बी तक में हमारा अच्छा खासा यूज़ हो जाता है पेंसिल का। 8 बी सफिशियंट डार्कनेस देता है, इतना कि हमको अगर कहीं पर डार्कनेस चाहिए, डार्क टोन चाहिए, तो वो हमें 8 बी तक दे सकता है। एंड 9 बी तो उससे डार्क है ही, तो आपको दिख रहा होगा कि ये धीरे धीरे कैसे ये बढ़ते जा रहा है डार्कनेस की ओर। और जैसे ही धीरे धीरे जितना डार्क बढ़ता है ये, उतना ही जो इसका चलाने का जो स्मूथनेस होता है, ये पेंसिल जिस तरह से हम इसको चलाते हैं, इसको यूज़ करते हैं, तो वो हमारा स्मूथनेस भी बढ़ते जाता है। मीन्स सबसे ज़्यादा अभी इन सब में सबसे ज़्यादा स्मूथ जो है 9 बी चल रहा है। ओके तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एंड लेट मी टेल वन मोर थिंग कि मैंने जो है ये एच ग्रेड वाली पेंसिल जो है वो उसको यूज़ आपको शो नहीं किया है यहाँ पे, मैंने सिर्फ बी ग्रेड वाली पेंसिल को यहाँ पे शो किया है। ओके बिकॉज एच ग्रेड वाली पेंसिल की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इतना ही पेंसिल की ज़रूरत है, ये हमारे लिए बहुत सफिशियंट है। और इसी से आगे आपका वर्क होगा जो भी होगा। तो ये आज का ये वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।